आज की क्लास की शुरुआत हम लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए थे तो पहले हम उन पे आते हैं। देखिए, पहला सवाल जो था वो ये था कि एक रिंग इस तरह से आपको दी गई है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, रिंग का सेंटर ओरिजिन पे था, रिंग का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे था और रिंग का रेडियस आपको दिया गया था आर, और दोनों साइड ये एंगल आपको दे रखा था थीटा। तो आपको इसका YCM लोकेट करना था। हाँ जी, पहला सवाल ये था कि नहीं बताओ आपका, कल जो बोला था हमने करने के लिए। क्या आंसर आया इसका, क्या आंसर आया? YCM। देखो, नहीं हुआ तो मैं करवाऊंगा, आप बताओ आपसे हुआ कि नहीं हुआ। ये इतना इतना टाइम लगा के आप यूं 1-1.5 घंटा निकलवा देते हो। जवाब दिया करो एक बार में, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हो गया? देखो ये मेरे हाथ में नहीं है, वो सुन लेंगे, वो कर देंगे। आप ये बताओ, ये सवाल हुआ कि नहीं हुआ? चलो कोई नहीं, सबसे पहली बात मैं इसका आंसर देखता हूं ताकि अगर किसी का हुआ हो तो एटलीस्ट वो तो बताए कि हाँ भाई ये आंसर आ गया। यहां पे जो YCM आएगा दैट विल बी आर साइन थीटा अपॉन थीटा, ये इसका आंसर होगा। और देखो, एक बड़ा सीधा तरीका मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको ना एक दिन रिजल्ट्स बताए थे, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पता हो, एंगल फ्रॉम वर्टिकल पता हो तो कैसे आर्क का लिखते हैं। अगर एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पता हो तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था आर स्क्वायर बाई एल इंटू कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। इफ थीटा वन एंड थीटा टू आर मेजर्ड विद हॉरिजॉन्टल लाइन, आर मेजर्ड विद हॉरिजॉन्टल लाइन, बताओ ये बताया था कि नहीं ये फॉर्मूला आपको? बोलो यार, ये ध्यान है कि नहीं? ये ऐसा भी कुछ पढ़ाया था एक दिन जब ये होमवर्क में दे रखे थे क्वेश्चंस, तब यस सर। वर्टिकल में होता तो साइन आ जाते हैं, और इसमें थीटा वन छोटा एंगल है और थीटा टू बड़ा। तो थीटा वन है पहले एंड का एंगल, तो ये तो थीटा वन है। तो आप बताओ थीटा वन कितना है इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा? ये थी 90 मत बोलो भाई, 90 तो बड़ा भारी दिक्कत कर देगा, 90 तो सोल्व ही नहीं होने देगा फिर इस चीज को। 90 को रेडियन में बोलिए पाई बाई टू माइनस थीटा। आप बताएं क्या थीटा वन समझ आया? और दूसरे एंड का एंगल था थीटा टू, थीटा टू कितना बोलेंगे? पाई बाई टू प्लस थीटा, थीटा टू आपका हो गया पाई बाई टू प्लस थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इनमें रखूं, इनको देखूं, तो कोस ऑफ थीटा वन, कोस ऑफ थीटा वन यानी कि कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होगा? कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा। ठीक है, कोस ऑफ थीटा टू दैट इज कोस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, ये कितना होता है बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट में गया माइनस साइन। माइनस साइन थीटा। फॉर्मूले में दोनों चीजें पुट की तो एचसीएम आ रहा है आर स्क्वायर बाई एल इंटू साइन थीटा माइनस माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा, तो ये बन गया 2 r² sin थीटा डिवाइडेड बाई एल। अब L कितना है यहां पे? L लेंथ ऑफ द आर्क। ये पूरा एंगल कितना है? कंप्लीट एंगल 2 थीटा, कंप्लीट एंगल इज 2 थीटा, सो द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू आर इंटू 2 थीटा। आया ना समझ? ठीक है, तो हमने इसकी जगह रखा आर इंटू 2 थीटा, तो ये आ गया 2 r² sin थीटा बाई आर इंटू 2 थीटा।
एक आर से कार गया, एक टू से टू गया, तो आंसर क्या बचा आपका, आर साइन थीटा अपॉन थीटा। अब ये थीटा डिग्री में नहीं रखना, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। थीटा किस में रखना होगा हमें, रेडियन में। बताओ भाई ये समझ आ गया कि नहीं आया जो ये बताया गया आपको? यस सर। ठीक है, ऐसी वर्टिकल से भी एंगल का फॉर्मूला था, उसमें था आर स्क्वायर बाई एल इंटू साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन, वर्टिकल से थोड़ा हमारा तो इससे हो ही गया ये। ठीक है, अब फिर मैंने एक वेरिफिकेशन का तरीका और बताया था। क्या बताया था वेरिफिकेशन का तरीका, कि अगर ये सेमी रिंग होती, अगर ये सेमी रिंग होती तो इसका सेंटर मास कितना ऊपर होता, बोला करो यार, इतनी देर मत लगाया करो। अगर ये सेमी रिंग होती तो इसका सेंटर मास कितना होता, 2r/π। वेरीफाई करो यहां से, सेमी रिंग बनाने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, इसको देख के बताओ। सेमी रिंग आप बनाना चाहते हो तो थीटा कितना होना चाहिए, पाई बाई टू, क्योंकि उधर जाएगा इधर भी जाएगा। तो इसमें आप रख के देखो एक बार, फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, रेडियन में रखना है तभी कुछ आएगा, नहीं तो नहीं। तो आर इंटू साइन पाई बाई टू होता है वन, डिवाइडेड बाई थीटा पाई बाई टू, टू ऊपर गया तो ये कितना हो गया, 2r/π। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, चार ऑप्शन आए, तो आप इस तरह से भी अपना आंसर की तरफ पहुंच सकते हो, दो तीन ऑप्शन यू रिजेक्ट हो जाए तो। बताए क्या ये पहला क्वेश्चन जो था ये समझ आया? Yes, क्या आप देखो एलिमेंट मान के भी कर सकते हो, जो मैंने रिजल्ट बताए हैं मैंने तो उससे बता दिया, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, आप तो एलिमेंट मान के भी इसे निकाल सकते थे। ठीक है, अगर वर्टिकल से एंगल पता होते तो क्या फॉर्मूला था, अगर मान लो एंगल्स वर्टिकल से होते तो एचसीएम का क्या फॉर्मूला था बताओ, आर स्क्वायर बाई एल इंटू बोलिए साइन ऑफ बड़ा एंगल माइनस साइन ऑफ छोटा एंगल, ये था। इसमें तो क्या था, कोस ऑफ छोटा एंगल माइनस कोस ऑफ बड़ा एंगल, ये था। अच्छा एल की लेंथ वही है आर इंटू टू थीटा, तो ये हो गया आर स्क्वायर बाई आर इंटू टू थीटा, एक आर से तो एक आर गया, तो ये तो आ गया आर बाई टू थीटा। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, साइन ऑफ थीटा टू, एक साइड का एंगल थीटा टू मान लो बड़े वाला वही है, दूसरा अपोजिट साइड में वर्टिकल से तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, वो अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में, जबकि हम उधर की तरफ देखते हैं दोनों वर्टिकल से, माइनस बाहर आएगा साइन से तो प्लस प्लस हो गए, टू साइन थीटा बन गया, तो आया आर इंटू टू साइन थीटा अपॉन आर ना सॉरी टू थीटा, एंड अगेन टू से टू कैंसिल और आपका वही आंसर आ गया आर साइन थीटा अपॉन थीटा। तो आप बताओ क्या दोनों फॉर्मूलों से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं, कैसे करना था? सर आपने फॉर्मूला कब करवाया था, क्यों नहीं करवाए, क्या और कोई बच्चा बताए, क्या ये फॉर्मूला नहीं बताए आपको एक बार भी, जिस दिन आपको ये करने के लिए दिए गए थे कि भाई ये करना वो करना, एक आध प्रूफ भी करवा दिया था, उससे अगले दिन आपको ध्यान होगा मैंने एक दिन एक प्रूफ करने के लिए दिया था कि एक साइड एंगल थीटा वन है और एक थीटा टू है तो उसका सेंटर मास की हाइट लोकेट करो, है ना? तो बिल्कुल उससे अगली क्लास में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये रिजल्ट्स दिए थे। बताओ याद आ रहे हैं कि नहीं रिजल्ट्स, ये पढ़ाए गए थे। ठीक है, तो भाई जिसने नहीं लिखे वो भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स देख ले, आपकी प्लेलिस्ट में भी डाले हुए सारे के सारे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन अभी बताओ क्या अभी समझ आ गया है कि नहीं, क्या ये फॉर्मूले थे? ठीक है, क्योंकि हम हर बार डेरिवेशन नहीं करेंगे, अगर हमारे पास प्रूफ है मतलब फॉर्मूले हैं रिजल्ट्स हैं तो उनको सीधा यूज कर दिया करेंगे। ठीक है, दूसरा जो सवाल था वो ऐसा ही एक डिस्क का दिया गया था, सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें सेम इसी तरह का पार्ट दिया गया था, ये है और ये एक्स एक्सिस बिल्कुल सीधा ऊपर, वाई एक्सिस पूरे में मास भरा हुआ है, डिस्क थी ये डिस्क का पार्ट, लेकिन एंगल ऐसे दिए गए थे इस साइड भी एंगल थीटा और इस साइड भी एंगल थीटा, और आपको इसका वाई सी एम निकालना था। हाँ जी भाई ये बताओ ये आया किसी का, रेडियस आर है,
नहीं ट्राई किया आपने, पहली बात तो ये आता है ना, क्योंकि मैंने आपको क्यों दिए थे, सर। पूरा एक दिन दिया था कि भी किसी तरह से तो ट्राई करो, क्योंकि एग्जाम में नए सवाल तो आएंगे, यूं थोड़ी कि सारे करवाए हुए आएंगे। इसका जो एचसीएम आएगा हाइट मतलब वाईसीएम, इट विल बी 2R इंटू साइन थीटा अपॉन 3 थीटा, ये आएगा 2R इंटू साइन थीटा अपॉन 3 थीटा। आया क्या किसी भी स्टूडेंट का? देखो मैं आपको बहुत अच्छे से यार एलिमेंट मानना सिखा चुका हूँ कि एलिमेंट कैसे मानते हैं, कैसे काम बढ़ाना है, तो अब तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि शायद आप लोग ये कर पाए, अपने आप भी कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, मनीष कुमार आपसे हुआ ये सवाल या ट्राई नहीं किया? नहीं हुआ तो कोई नहीं, ट्राई किया था ना कि कैसे होगा कैसे नहीं। ठीक है तो अभी देखिए, अभी मैं बताता हूँ कैसे होना है। देखिए सबसे पहली बात, इसमें एलिमेंट मानना होगा, तो सपोज आप वाई एक्सिस पे किसी भी हाइट वाई पे गए और ये सीक्वेंस में थे, पिछला होगा तो ये होगा, पिछला सवाल अगर किसी से हुआ होगा तो ये होगा। वाई रेडियस पे जाके आप थोड़ा सा और ऊपर गए डी वाई, क्योंकि मास वगैरह निकालना होता है तो एरिया निकालना होता है, तो आपने ये एक स्ट्रिप बना दी। ये हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट एक रिंग है जिसका रेडियस वाई है और थिकनेस है डी वाई, ये पूरा एंगल 2 थीटा, तो ये जो लंबाई होगी, ये जो लंबाई होगी दिस विल बी वाई इंटू 2 थीटा और ये चौड़ाई है डी वाई। तो आप बताएंगे भाई डीएस दिख गया होगा आपको, डीएस कितना है अप्रोक्सीमेटली, डीएस काट के इसको सीधा किया तो कितना होगा बोलो, स्ट्रिप का एरिया। ये बोलते ही नहीं हो कोई भी बच्चा, डीएस कितना होगा? वाई 2 थीटा इंटू डी वाई, क्या समझ आया कि नहीं कैसे लिखा है? अभी ये अपना माइक ऑफ कीजिए, अपना माइक ऑफ कीजिए आप यार, अगर इस तरह से है तो मैं समझा देता हूँ। बस इधर देखो डीएस, बाकी बच्चे जिन उनको नहीं बोल रहा मैं माइक ऑफ करने के लिए, इधर सुनो, क्या ये डीएस समझ में आ गया क्या कैसे लिखा है हमने? सर ठीक है, डीएस क्यों निकालते हैं? यूनिटरी मेथड से पूरा स्ट्रिप का एरिया मानेंगे, लेट टोटल मास, आप बताना अगर मैं कुछ भी पार्ट अलग करूं तो। मैं तो यार ये सोच रहा था कि आप करेंगे ये सवाल, टोटल मास भी है। एक चीज ये भी होती है, हो सकता है आपने बहुत सीरियसली ट्राई ना किया हो तो इसको यू मान के करना चाहिए, कोई मैं ही करूंगा बस अपने आप। टोटल मास है एम, एरिया वाइज बांट दो यूनिटरी मेथड से, पूरी इस जो डिस्क का जितना पार्ट दिया इसका एरिया कितना है पूरी डिस्क का? हम हर जगह अटक के क्यों बैठ जाते हैं? पूरी डिस्क का एरिया है हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू सेंट्रल एंगल। पता लगा क्या कैसे लिखा ये भाई? अगर सेंटर पे पूरा एंगल 2 पाई होता, अगर सेंटर पे पूरा एंगल 2 पाई होता तो डिस्क का एरिया होता पाई आर स्क्वायर, सेंटर पे यूनिट एंगल होता तो डिस्क का एरिया होता पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और सेंटर पे ये पाई से पाई कट गया, सेंटर पे 2 थीटा एंगल है तो डिस्क का एरिया होगा हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 थीटा। पहले तो ये बताओ इसका एरिया क्या है, वो क्या वो समझ में आ गया कि नहीं? बोला करो। हाँ जी, डिस्क का एरिया, डिस्क के कितने पार्ट का एरिया है जिसका मास है, वो आ गया समझ आपको? ठीक है, अब इसका मास हमने माना है एम, 2 से 2 कटा, यूनिट एरिया का मास होगा एम अपॉन आर स्क्वायर थीटा, तो जो डीएस एरिया है जो हमारा रेड एलिमेंट है, रेड एलिमेंट उसका मास होगा एम अपॉन आर स्क्वायर थीटा इंटू वाई इंटू 2 थीटा इंटू डी वाई। समझ में आया होगा शायद, ये मैंने डीएस उठा के रख दिया यहां पे, थीटा से थीटा गया तो ये जो डीएम आया मेरे पास, डीएम आ गया 2m/r² इंटू वाई डी वाई। समझ में आया डीएम कैसे निकाला है यूनिटरी मेथड का यूज करके? ठीक है, अब बताओ
मुझे YCM निकालना है। YCM, YCM का फॉर्मूला तो होता है इंटीग्रल YDM अपॉन इंटीग्रल DM। मुझे लगता है ये चीज तो आप अच्छे से जान ही चुके होंगे। अब ये DM तो ये बैठा है मेरे पास, ये Y कितना रखना है, ये Y Y कितना रखें ये बताओ। अब बताओगे तो मैं आगे चलूंगा यार, नहीं मैं आगे कैसे बढ़ू बताओ। अच्छा Y होता क्या था, ये Y क्या होता था? एलिमेंट का सेंट्रो, एलिमेंट का सेंट्रो मास, उसकी पोजीशन। बिल्कुल सही, एलिमेंट ये है, एलिमेंट एक रिंग है। क्या ये रिंग पिछले सवाल में नहीं की थी आपने? क्या यही रिंग, बस इतनी सी रिंग थी कि नहीं पिछले क्वेश्चन में? सेम यही। और आपको अगर ध्यान हो उसका आंसर आया था आर साइन थीटा अपॉन थीटा एचसीएम आया था। yes, तो इसका रेडियस है वाई, इसका रेडियस है वाई, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो कितनी ऊपर होगा? आर साइन थीटा मतलब वाई साइन थीटा अपॉन थीटा, इतनी ऊपर होगा ये। इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y साइन थीटा अपॉन थीटा। क्या ये समझ आ गया? Yes, sir. है ना, तो यहां y की जगह ये आना है, ये y की जगह ये आना है और dm की जगह ये आना है और तब जाके हमारा आंसर आना है। तो चलो करते हैं स्टार्ट आगे। तो ycm बराबर ऊपर इंटीग्रल y की जगह है y साइन थीटा अपॉन थीटा इंटू डीएम, डीएम की जगह है 2m बाई आर स्क्वायर इंटू वाई डी वाई, और नीचे क्या लिखूं मैं, नीचे क्या लिखूं बताओ इंटीग्रल डीएम को? m, ये बाहर कॉन्स्टेंट कॉमन आएंगे। अब यू बताओ थीटा वेरिएबल है कि थीटा कॉन्स्टेंट है इस सवाल में? थीटा वेरिएबल है कि कॉन्स्टेंट है? वेरिएबल। कैसे वेरिएबल है बताओ? क्या ये मेरा एलिमेंट यूं बढ़ रहा है क्या? क्या ये बाहर की तरफ बढ़ रही है कि भाई मैंने यहां एलिमेंट माना हो? थीटा वेरिएबल कब होता? जब मैंने यूं एलिमेंट माना होता किसी भी एंगल पे जाके थोड़ा डी थीटा और फिर मैं कहता इधर से इधर पूरा। मैं जिस तरह एलिमेंट मान रहा हूं, मेरी ये रिंग है उसमें भी एंगल टू थीटा, मेरी अगली रिंग बनेगी उसमें भी एंगल टू थीटा। क्या थीटा वेरिएबल है इस एलिमेंट के लिए? यस सर। नो सर, इस एलिमेंट के लिए क्या चीज वेरिएबल है? y। और y की लिमिट अगर आप देखें डायग्राम से देख के बताओ y की लिमिट कहां से कहां है? बिल्कुल इनिशियली तो y है 0 एंड बिल्कुल एंड पे y कितना होगा? लास्ट y r, x क्या होगा मतलब r है पूरा रेडियस। ठीक है, तो अब देखो इस इंटीग्रेशन को संभालते हैं। साइन थीटा कॉन्स्टेंट बाहर आया, अपॉन थीटा कॉन्स्टेंट बाहर आया, एम बाहर आके एम से कट जाएगा, एक आर स्क्वायर बाहर आया, एक टू बाहर आया, क्या बचा अंदर? अंदर देखो वाई वाई यानी कि वाई स्क्वायर डी वाई। दिख गया ये स्टेप। और लिमिट है 0 to 2x। अब देख लो वाई स्क्वायर 0 to r, सॉरी 0 to r। अब बताओ वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? y³/3 है ना, y³/3 लिमिट पुट करेंगे तो r³/3, तो बाई थ्री को तो अलग कर लो, तो ये आया 2/3, तो अलग हो गया 2/3। ऊपर एक r³ आएगा, नीचे r स्क्वायर है तो एक r बचेगा, एक साइन थीटा है और डिवाइडेड बाई थीटा है। तो क्या मैंने आंसर यही लिखा था आपका 2r साइन थीटा अपॉन 3 थीटा? यस सर। ठीक है, और इसको भी वेरीफाई करते हैं। फिर वही बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपका वेरिफिकेशन से ही आंसर निकल आए। कैसे वेरीफाई करें इसको कि अगर ये डिस्क होती, अगर ये सेमी सर्कुलर डिस्क होती तो इसका कितना ऊपर आना चाहिए था? 4r/3 भाई। सेमी सर्कुलर डिस्क बनाने के लिए थीटा कितना लेना होगा? पाई बाई टू। तो इसमें पुट करके देख लो भाई, हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं, हमारे आंसर को, कि अगर आप थीटा पाई बाई टू लेते हैं तो साइन पाई बाई टू, तो साइन 90 डिग्री तो 1 हो गया,
दिस इज 2r इंटू 1 अपॉन 3 इंटू पाई बाई 2। देखो 2 ऊपर गया, 4 बना 4r बाई 3 पाई। क्या यही होता है क्या सेमी सर्कुलर डिस्क का, बताओ? अब बताओ ये दोनों सवालों में से कोई ना समझ में आया हो तो बताओ, या आगे दोनों समझ, ठीक है? ठीक है यार, ये एलिमेंट मानने में घबराया मत करो, पिछले में मैंने एलिमेंट से नहीं करवाया, उससे भी करवा सकते थे बट मैंने रिजल्ट का यूज करवाया। और बताओ इसके अलावा भी शायद दिया था कोई सवाल, हाँ जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन दिया था क्या? सॉलिड हेमिस्फीयर का जो प्रूफ है वैसे मैंने भेज दिया था, मैं एक बार बता देता हूँ, देख लो फिर भी वो आया कि नहीं आया समझ, कैसे सॉलिड हेमिस्फीयर का प्रूफ था। हाँ भाई बोलो, 3r by 8 उसका आंसर था, वो समझ आया कि नहीं आया, देख लो। चलो फिर भी देख लेते हैं, एक मिनट सुनो, आज का तीसरा काम जो कल छोड़ा हुआ था वही। मान लीजिए एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर, आपको इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, ये एक्स वाई एक्सिस, ये इसका बेस, सॉलिड है पूरा इस तरह का है, तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना था कि कहां होगा। तो हमने ऑलमोस्ट आपको प्रूफ भेजा था, तरीका क्या है, इसका रेडियस है आर, इसका जो रेडियस है दैट इज आर। सबसे पहले आपको ये वाई एक्सिस थोड़ा मैं आगे बनाता हूं बीच में, देखो सबसे पहला काम तो है कि आपको एक एलिमेंट मानना होगा। एलिमेंट मानने के लिए हमने किस तरह एलिमेंट माना था, हम कुछ वाई हाइट पे गए, वाई एक्सिस पे कुछ वाई हाइट पे गए, पूरा भरा हुआ है तो आप एलिमेंट ऐसे मान सकते हो पूरा भरा हुआ है, नहीं तो आपको बार बार जाना पड़ता, अभी पूरे में मास है। और आप थोड़ा और ऊपर गए डी वाई, थोड़ा और ऊपर गए डी वाई, और ये आपका एक प्लेट सी बन गई, छोटी सी प्लेट जिसकी हाइट है डी वाई, कुछ बेस होगा उसका एरिया होगा, उससे उसका वॉल्यूम निकलेगा क्योंकि आज मास वॉल्यूम में है। अब पहला काम होगा इसका डीएम निकालना है, तो उसके लिए मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए कि यहां जो पार्ट है उसका वॉल्यूम क्या होगा। मान लो इसका जो रेडियस है इस पार्ट का दैट इज आर, ये जो पार्ट आपका बना है ना ये ऐसा बना है कि एक सर्कल बना है, ये एक सर्कल बना है जिसका एरिया ऑफ बेस तो है पाई आर स्क्वायर, ऊपर थोड़ा सा कम हो गया थोड़ा सा बस, और ऊपर एक और सर्कल बना है, और ये जो बीच की थिकनेस है दिस इज डी वाई। आप इसे एक प्लेट की तरह मान लो, सीधी प्लेट की तरह, तो बताएंगे डीवी दिख रहा है आपको यहां से, डीवी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, नियरली डीवी हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। पहला काम बताओ समझ में आया, वॉल्यूम, ठीक है? आज एरिया नहीं निकालना क्योंकि सरफेस में मास नहीं, वॉल्यूम में मास। अब बताओ लेट टोटल मास, हमने माना कि इस पूरे का जो टोटल मास है वो एम है, पूरे का टोटल वॉल्यूम कितना है, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का 4/3 πr³, तो हेमी का होगा 2/3 πr³, तो अगर आप 2/3 πr³ वॉल्यूम ले तो उसका मास है एम, यूनिट वॉल्यूम का मास होगा एम अपॉन 2/3 πr³, 3 ऊपर गया, और मुझे चाहिए डीवी वॉल्यूम का मास, तो बनेगा 3m अपॉन 2π R³ इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, पाई से पाई कैंसिल, तो मेरे पास डीएम आ गया, डीएम आया 3m अपॉन R³। अच्छा अब इसमें कह रहा है स्मॉल आर स्क्वायर, वेरिएबल मत बढ़ाओ, वेरिएबल मत बढ़ाओ, वाई को बस वेरिएबल रखो, तो पाइथागोरस से आप देखो, ये तो रेडियस ऑफ द स्फीयर है आर, ये वाई, तो पाइथागोरस से स्मॉल आर का स्क्वायर होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मैं इसको लिख दूं
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इनटू डी वाई, ताकि एक वेरिएबल में चलता रहे काम, और वाई की लिमिट तो मुझे पता ही है जीरो टू आर, ये चल रहा है। चलो भाई डीएम निकालना आ गया, ठीक है। अब इस पार्ट का, ये तो प्लेट की तरह है तो इसका सेंट्रो मास तो यही होगा, तो इसके सेंट्रो मास के तो कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे जीरो कोमा वाई, जीरो कोमा वाई। तो अब अगर मैं YCM की तरफ चलूं, YCM इंटीग्रल YDM अपॉन इंटीग्रल DM, Y कितना रखें इस बार, Y की जगह Y है, Y की जगह केवल Y है, DM DM की जगह है 3m अपॉन r क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और नीचे तो इंटीग्रल डीएम आपका एम हो जाएगा और वो एम बाहर आके कट लेगा। तो ये आपका देखो 3/r³ बाहर आया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, मैं उस पर चलता हूं, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, देखो 3/r³ बाहर आया, फर्स्ट टर्म बचेगी आर स्क्वायर वाई डी वाई, ये पहली टर्म, माइनस सेकेंड टर्म वाई क्यूब डी वाई, समझ में आया क्या ये, ठीक है। लिमिट है, लिमिट है आपकी जीरो टू आर, जीरो टू आर ये इसकी लिमिट है, 3/r³ बाहर चल रहे हैं, आर स्क्वायर बाहर आएगा और वाई डी वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू में लिमिट पुट करोगे तो आर स्क्वायर बाई टू, एक आर स्क्वायर पहले ही था तो ये बन गया आर रेज टू पावर 4/2, मुझे लगता है शायद क्लियर हो गया होगा क्या लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे ही दूसरे वाला, उसमें अगर आप देखते हैं यार इसमें हम ये टू छोड़ तो नहीं गए, टू भूल गए ना, नीचे लिखना 3m/2 है ना, ले लेते हैं, नहीं फिर बाद में दिक्कत होगी, यानी कि ये टू और है, 3m/2 और है, तो टू यहां है, यहां चल रहा है टू, ठीक है। अब सुनो, पहला इंटीग्रेशन हो गया, सेकेंड y क्यूब का होगा y रेस्ट पावर 4/4, यानी कि r रेस्ट पावर 4/4, 1/2 में से 1/4 गया तो 1/4 बचा, 1/4 बचा तो 3/2r³ इंटू r रेस्ट पावर 4/4, तो देखो क्या आ गया, 3 एक r ही बचेगा बस, और नीचे 4 × 2 = 8, मतलब क्या ये क्लियर हो गया आप सभी को। हाँ भाई ठीक है ना, अब बताओ सर जस्ट लोम स्फीयर का किया था वैसे नहीं हो जाएगा ये? हाँ वैसे भी हो जाएगा, उससे भी कर सकते हो सर, वैसे बता दो एक बार, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा लेंगे उस तरह से एलिमेंट मान के। यस सर, देखो मान लीजिए फिर से आपका हेमिस्फीयर आपने बनाया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, पूरा भरा हुआ हेमिस्फीयर, रेडियस इसका है आर। अब ये कह रहे हैं कि उस तरह चलो जी कि थीटा एंगल पे जाओ, चलो मैं थीटा एंगल पे गया, किसी भी मैं थीटा एंगल पे गया, अब थीटा एंगल पे जाके यहां एलिमेंट ये बनेगी, ये प्लेट पूरी, ये प्लेट क्योंकि यहां पूरे में मास भरा हुआ है, खाली नहीं है, बार बार नहीं है। फिर आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे डी थीटा, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे डी थीटा, तो आपकी अगेन ये एक प्लेट बनी, एलिमेंट तो वही बनेगा जो पिछली बार बना था, आपकी अपना वेरिएबल कुछ भी बना ले, क्या पिछली बार यही एलिमेंट नहीं बना था आपका बीच में? यस सर, ठीक है। और नीचे से ऊपर तक पहुंचने के लिए बस थीटा इनिशियल तो जीरो है, इधर वाला अपने आप कवर हो रहा है, टॉप पॉइंट पे थीटा फाइनल केवल कितना होगा, π/2। अब r cos थीटा r sin थीटा का रोल नहीं है, क्योंकि इसका जब आप सेंटर ढूंढोगे वो तो बीच में ही आएगा। yes, sir. है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट तो वही आने हैं, क्या जो इसके ये थीटा के टर्म्स में कहो तो ये इसकी हाइट कितनी है, मतलब मुझे उसके कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है, मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, ये हाइट कितनी है, r sin थीटा। तो जो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बनेंगे 0, r sin थीटा, ये बन गए, ठीक है, 0, r sin थीटा। अब मुझे इसका मास देखने के लिए अगेन इसका वॉल्यूम देखना होगा, वॉल्यूम कैसे निकालें, इसका इसका एरिया लेना होगा,
देखो ये थीटा, ये डी थीटा, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, दिस इज ऑलमोस्ट आर डी थीटा, ठीक है, ये लेंथ है आर डी थीटा। अच्छा ये आर साइन थीटा, ये आर कोस थीटा, तो जो इसका सर्कल बनेगा उसका रेडियस होगा आर कोस थीटा। तो जो इसका वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम डीवी, डीवी जो बनेगा वो होगा एरिया ऑफ बेस, यानी कि पाई इंटू आर कोस थीटा का स्क्वायर, एरिया ऑफ द बेस इंटू ए थिकनेस, एंड दैट इज आर डी थीटा। बताओ भाई आया क्या यहां तक समझ? यस सर। ठीक है, तो डीवी आपका आ गया पाई आर क्यूब कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपका डीवी आया। यहां तक हमने डीवी लिख लिया। उसके बाद यूनिटरी मेथड वही लगाना है मास निकालने के लिए। पूरे का वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब, उसका मास है एम, यूनिट वॉल्यूम का मास होगा एम अपॉन 2/3 ऊपर चला जाएगा, और मुझे डीवी वॉल्यूम का मास चाहिए तो वो हो जाएगा 3m अपॉन 2πr³ इंटू पाई आर क्यूब कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यही आ रहा है ना, कुछ और तो नहीं है, यही है। आर क्यूब पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब गया, तो मेरा जो डीएम आया, डीएम 3/2 एम कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये मेरे पास आ गया डीएम। अब अगर मैं वाईसीएम पे जाऊं, वाईसीएम क्या होगा? इंटीग्रल वाईडीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम। वाई की जगह क्या रखा जाएगा? आर साइन थीटा, ठीक है, इंटू 3/2 इंटू एम कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डीएम एम, एम से एम कट ही लेना है बाहर आके, तो ये बचेगा 3/2 आर इंटीग्रल साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड दिस इज फ्रॉम 0 to π/2। आप ये बताओ अनीस, क्या आप यहां तक पहुंच गए थे? यस सर। बस तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया। आप अगर यहां तक पहुंच गए थे तो बिल्कुल सही है, बिकॉज इससे आगे क्या होता है, इंटीग्रेशन टेक्निक्स आप प्लस टू में सीखेंगे। अभी आप सारे इंटीग्रेशन सोल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत सी टेक्निक्स आएंगी इंटीग्रेशन सोल्व करने की। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/4, और अगर ये 1/4 आएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3r/8। हाँ, इससे थोड़ा इंटीग्रेशन और सोचना पड़ेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करें क्या नहीं, मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन आएंगे। तो इसीलिए हम उस आसान तरीके से गए कि उसमें एलिमेंट मानना आसान था, बाकी आंसर सेम आने पूरे। तो अगर किसी भी बच्चे ने इस तरह भी ट्राई किया हो और वो यहां तक पहुंच गया हो, तो इसका मतलब उसका ये बिल्कुल सही है। और जब मैंने शुरू में बोला आर कोस थीटा आर साइन थीटा का चक्कर नहीं था, मतलब यूज तो दोनों हुए लेकिन पोजीशन वो नहीं थी आर कोस थीटा आर साइन थीटा, पोजीशन लिखी जाएगी 0, r sin थीटा, बाकी यूज तो दोनों ही हुए। चलो इसके अलावा बताओ और कोई सवाल कल दिया था करने के लिए? अरे एक बार में ध्यान आने चाहिए अगर कोई सवाल दे रखे थे तो। सर सर्कुलर कोन में कट था उनको। कौन सा था सर्कुलर? अच्छा सॉलिड कोन में कट का क्वेश्चन दिया था। यस सर। किया वो, ट्राई किया? यस सर। ठीक है, तो देखते हैं। कुछ ऐसा था, कुछ इस तरह का सवाल था वो, कट वाला, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगवाने के लिए मैंने आपको दिया था वो, और कुछ नहीं। हमने सवाल ये लिया था कि एक सॉलिड कोन था, ये एक सॉलिड कोन था, रेडियस आर दिया था कि 2r दिया था? आर सर। आर, और हाइट शायद h, ऐसा था। अब इसमें पूरा सॉलिड है लेकिन ऊपर एक पार्ट कटा हुआ है, आधी हाइट और आधी रेडियस, ये था, ये r by 2 रेडियस का एक कट है इसमें, और जो हाइट थी वो भी थी h by 2, बस ये कट था, बाकी पूरा भरा हुआ था इस तरह से। ये ओरिजिन, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। मैं पर यार बाकी क्लास से पूछना चाहता हूं, अभी तक ना केवल कल का काम डिस्कस हो रहा है, आप लोगों ने कितनी ईमानदारी से किया है ये काम, और कोई क्योंकि सुनने में नहीं आ रहा किधर से हाँ ना कुछ हो नहीं रहा है,
कितने बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया था कल? ठीक है ठीक है, तो देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे हम सीधा। सबसे पहले आप बताओ पूरे का वॉल्यूम कितना है, बिना कट किए पूरे का वॉल्यूम V1? वन अपॉन थ्री पाई एफ स्क्वायर। हाँ जी, वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच। और पूरे सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे है, मीन्स वाई वन? सॉलिड कोन का कितनी हाइट पे होता है सर? 3h by 4, नीचे से h by 4। तो नीचे से बताना है ना मुझे, तो यहां से सॉलिड कोन का जो होगा y1, दैट विल बी इक्वल टू h by 4 हमारे एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब मैं आता हूं v2 पे। v2 जो पार्ट आपने कट किया है उसका वॉल्यूम कितना है? 1 by 3 pi r by 2 whole square by h by 2। 1 by 3 पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर इंटू एच बाई टू। अगर मैं इसको वी वन की टर्म्स में लिखूं, देखो वी वन की टर्म्स में, तो 1 बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच अलग कर लो, तो 4 और 4 8, यानी कि वी वन बाई 8 हो गए, 4 गुना 8। यस सर। ठीक है, ये हमने वी वन की टर्म्स में लिख लिया, वी वन बाई 8। अच्छा जी, अब इसके बाद आप बताएं वाई टू कितना होगा? वाई टू कट पोर्सन होलो कौन है कि सॉलिड कौन है जो कट किया आपने? होलो कैसे कट करके ले गए? अगर होलो पार्ट, अरे जो कट किया है ये ना, ये सेम बात एक दिन शायद पहले भी आई थी, है ना, कट में आप उस दिन भी सोच रहे थे कि होलो थोड़ी कट होता है, आप जो कट करके ले गए हैं वो तो पूरा पूरा ऐसा बनेगा, वो तो पूरा पूरा सॉलिड पोर्शन कट हुआ है, तभी तो वो उधर खाली हुआ। तो इसका सेंटर यहां से कितना ऊपर होगा, सेंटर ऑफ मास? एच बाई फोर नहीं होगा इसका, एच एच है क्या? एच बाई 16। अरे जितनी जितनी हाइट है उसका 1/4, जितनी हाइट है उसका 1/4, एच बाई 8। लेकिन नीचे से कितना हुआ वो, ओरिजिन से उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये हाइट कितनी है? एच बाई 2। हाँ, अब बताओ कि y2 कितना आएगा? y2 h by 2 plus h by 8। h by 2 plus h by 8, 8 एलसीएम 4 और 1 5, 5 h by 8। समझ आ गया ये सारी वैल्यूज कैसे लिखी है? Yes, अब ये बता दो मुझे कितने बच्चों ने यहां तक सही लिखा था, बिकॉज सही तो उन्हीं का होगा जिन्होंने ये सही लिखा था, नहीं तो फिर कैसे सही होगा, गलतियों के चांस ही चांस है। इसका सेंटर आप लिख दो एच बाई फोर पे, वो गलती, जबकि इसकी खुद की हाइट एच बाई टू है, ये जोड़ना भूल जाओ वो गलती, कई गलतियां हो सकती है, कोई बच्चा इसको होलो लेके एच बाई थ्री कर दे वो गलती हो जाए। अगर किसी ने ये सारे सही लिखे हैं तो आंसर सही आएगा, और इसके अकॉर्डिंग फिर जब आप निकालेंगे वाई सी एम एम वन वाई वन ना सॉरी 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 एम वन और कर लोगे आप? यस सर। एक बार बताओ क्या आंसर आ रहा है, करो फटाफट करो, क्योंकि यूं तो सवाल निकलते चलेंगे ऐसे ही छोड़ते चलेंगे हम, फटाफट बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एच। क्या ये आ रहा है क्या? आपको फॉर्मूला लगाना है वाई सी एम इज इक्वल टू वी वन वाई वन माइनस वी टू वाई टू अपॉन वी वन माइनस वी टू।
अब v2 को लिख दो v1 by 8, तो v1 into y1, y1 is h by 4, minus v2 की जगह v1 by 8, into y2 की जगह 5h by 8, divided by v1 minus v2. Yes sir, ये याद है. इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो याद आएगा. 11h by 56. देखो मैंने लोकेशन लोकेशन पे जितना काम दिया था वो सारा पहले चाहे एक घंटा लग गया, हमने वही चीज अभी तक, एक घंटा तो नहीं लेकिन वही चीज हमने अभी तक पहले वेरीफाई की है क्या नहीं, क्या नहीं, क्या ये समझ में आई कि नहीं ये चीजें. यस सर. ठीक है, मैं एक दो और सवाल अभी के लिए ले रहा हूं, एक और चीज समझाने के लिए इसी में लोकेशन वाले में, फिर हम आगे बढ़ेंगे. जैसे ट्रायंगुलर लैमिना का कभी भी क्वेश्चन आए, सपोज इस तरह का कोई सिस्टम आ जाए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपको एक ट्रायंगुलर लेमिना दी है, प्लेन, एक प्लेन ट्रायंगल दी है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्लेट है पूरी, दिस इज अ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना ये आपको दिया गया है. सपोज इसकी ये बेस है बी और हाइट है एच. सवाल आपको पता ही है कि सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है कहां होगा, ये कैसे होगा? आप ये बताओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई है कि नहीं अभी तक मैथ्स में? तो अगर मुझे एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स के वर्टेक्स मतलब पता हो कोऑर्डिनेट्स, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? देखिए पहले इनके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिख लो. इसके कोऑर्डिनेट 0 0, इसके कोऑर्डिनेट 0 b, सॉरी क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट बताओ, बोलो b0 और इसका 0h. जब भी कभी एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना आए तो आप ये बात याद रखो कि भाई जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होगा उसके सेंट्रोइड पे, वो होगा ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे. जब भी कभी यूनिफॉर्म लेमिना आए आप सेंटर ऑफ मास को सेंट्रोइड के ट्रायंगल पे लेंगे. ठीक है, अब सेंट्रोइड के ट्रायंगल पे देखना है. अब सेंट्रोइड क्या होता है, उसकी पोजीशन मैथ्स आपको सिखाएगा, शायद आप पढ़ लेंगे कि जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है दैट इज x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3. हां पढ़ा हुआ है ना ये? यस सर. एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3. तो अगर आप इसमें लगाएंगे तो बताओ क्या आएगा ये आंसर? b/3 और वाई कितना आएगा? h/3. तो आपको ना सेंटर ऑफ मास पता लग गया कि भाई जो सेंटर ऑफ मास है 1/3 तो इधर और 1/3 इधर, मतलब इधर कहीं है सेंटर ऑफ मास यहां पे है कि ये भी b/3 एंड ये आपका h/3. बाकी ये रिजल्ट याद रखना कि कभी भी अगर यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना आए तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे होगा. और कल एक थ्योरम दी थी आपको, पेपूस थ्योरम. यस सर. उससे भी आ सकता है अगर आप मान लो ये सवाल आ जाए, कैसे आएगा उससे, कैसे आएगा ये पेपूस थ्योरम से अगर हम निकालें? देखो सुनो, ये दूरी है एक्सीएम, इधर देखो आप ध्यान से, ये जो दूरी है दिस इज एक्सीएम. पहले मैं एक्सीएम सोचता हूं क्या होगा. अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा दूं, अगर मैं इस वाई एक्सिस के अबाउट इस एरिया को घुमा दूं, पहले तो एरिया बताओ, ये एरिया से एरिया कितना है ये ट्रायंगल का? हाफ इंटू बी इंटू एच.
अगर मैं इसके एरिया को घुमा दूं तो जो सेंटर ऑफ मास है वो यूं घूमेगा, कितना घूम गया सेंटर ऑफ मास? टू पाई इंटू एक्सीएम। और इसको घुमाने के बाद क्या बनेगा, एक सॉलिड कोन बन जाएगा। कोन का वॉल्यूम कितना होगा, उस पूरे कोन का वॉल्यूम? 1/3 πb² इंटू एच। समझ में आया क्या? अरे बोलो यार। अब फिर कल पढ़ा था कि जो वॉल्यूम बना है दैट इज इक्वल टू एरिया रिवॉल्व इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास। तो वॉल्यूम जो बना है 1/3 πb² एच दैट इज इक्वल टू एरिया रिवॉल्व हाफ बी एच इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास 2π इंटू एक्सीएम। देखो एक बार, एक एच से एक एच गया, एक बी से एक बी गया, एक टू से एक टू गया और एक पाई से एक पाई गया, बचा क्या है एक्सीएम, कितना बचा है बताओ? बी बाई थ्री एक्सीएम बचा है, बी बाई थ्री। मतलब अगर वो रिजल्ट ना पता हो, सेंट्रोइड पे होता है या कोऑर्डिनेट्स ना पता हो, तो आप ऐसे अपने पेपूस थ्योरम से निकाल सकते थे। सिमिलरली YCM चाहिए तो किसके अबाउट घुमाए इसको? X-axis। हाँ, तो ये देखो ये कैसी कौन बनेगी, यूं यूं इस ये स्लैंट बनते हुए यूं एक कौन बन जाएगा। X के अबाउट जब आप घुमाओगे तो जो डिस्टेंस, ये हाइट, ये जो हाइट है, ये हाइट है YCM। तो जब आप X के अबाउट घुमाओगे तो डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 2π × YCM। अच्छा कितना एरिया आपने घुमाया है, एरिया तो वही है हाफ इंटू बी इंटू एच। और अब जो वॉल्यूम बनेगा वो एक ऐसा कोण बनेगा जिसका रेडियस ये है एच 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 और हाइट भी है, तो 1/3 πh² × b। समझ में आया कैसे बनाई इक्वेशन? बी से बी गया, अगेन टू से टू गया, पाई से पाई गया, एक एच से एक एच गया और वाई से आ जाएगा h/3। तो यहां भी हमने एक बार वो कल वाली थ्योरम, मैथ्स की जो थ्योरम है वो लगा के देख ली। चलो ट्रायंगुलर लेमिना का याद रखना, जब भी कभी कोई यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट आए तो उसका सेंट्रोइड ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं अपना, वो मेथड ज्यादा आसान है, उससे हो जाएगा। अब देखो सेम क्वेश्चन मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं कुछ बदलाव करते हुए। कुछ हल्के फुल्के चेंजेस लेते हुए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और आपको ट्रायंगुलर फ्रेम दिया गया है, ट्रायंगुलर फ्रेम, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर फ्रेम। ये साइड बी है और ये साइड एच है और ये एंगल 90 डिग्री है, और यहां बोला गया है कि ये एक ट्रायंगुलर फ्रेम है। फ्रेम का क्या मतलब होता है? खाली है, ये खाली है, जैसे फोटो फ्रेम नहीं होता बाहर बाहर, बस बाउंड्री बाउंड्री है। तो इसमें ये रिजल्ट मत लगा देना सेंट्रोइड वाला, गलती यहां बड़ी फटाफट होती है भाई। देखो फटाफट बच्चे वही करते हैं, 0 0 0 ना, 0 0 बी 0 0 H और सेंट्रोइड पे सेंटर ऑफ मास ना। अब नहीं, वो तब है जब ट्रायंगुलर लेमिना हो। अब कैसे लोकेट करें सेंटर ऑफ मास? अब आप इसको ना तीन पीसेस की तरह देखिए, अब आप इसको तीन पीसेस की तरह देखिए भाई। पहली बात आ गई समझ में कि ट्रायंगुलर फ्रेम अगर होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पे नहीं होगा, क्लियर है? अब आप इसको पीसेस की तरह देखिए, पहला मास यूनिफॉर्म है पूरा, उसको समेट के रख दो उसके सेंटर पे, इसको समेट के रख दो इसके सेंटर पे, और इसको समेट के रख दो इसके सेंटर पे। हमने पढ़ा तो है कि अगर बड़े पीस होते हैं तो हम इस तरह से उनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कर देते हैं। तो लो वो करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा, इसका जो सेंटर यहां आएगा b/2 0। समझ में आया? यस सर। इसका बताओ इसका क्या आएगा? 0 h/2। ठीक है, इसका बताओ तीसरी जो रोड है उसका सेंटर कहां आना है?
तीसरी जो रोड होगी उसका सेंटर कहां आना है या बताओ। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला भाई, इसके कोऑर्डिनेट है बी जीरो, इसके कोऑर्डिनेट है जीरो एक्स। मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस बी बाई टू, हाँ यानी कि बी बाई टू, और दूसरा एच बाई टू। तो मेरे काम का ये भी नहीं है, मेरे काम का ये भी नहीं है, कभी इनसे कंफ्यूज हो जाओ। ये तो मैंने बस एक बार लिखे ताकि तीनों का सेंटर मास आ जाए। अब तो मैं अगर एक्सीएम निकालना चाहूं, एक्सीएम एम वन एक्स वन बी बाई टू प्लस एम टू एक्स टू जीरो प्लस एम थ्री एक्स थ्री अगेन बी बाई टू, मैंने इसको एम वन बोला, इसको एम टू बोला, इसको एम थ्री बोला है, दिस इज एम वन एम टू एम थ्री डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। ऐसे ही अगर मैं YCM लिखना चाहूं, YCM सेम फॉर्मूला एम वन इंटू वाई वन, वाई वन पहले का जीरो जीरो प्लस एम टू इंटू वाई टू एच बाई टू प्लस एम थ्री इंटू वाई थ्री अगेन एच बाई टू, क्या सोल्व हो गया या अभी बचा हुआ है? क्वेश्चन अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ है। मास मास कहां से लाओगे? मास तो दे ही नहीं रखे हमें, सोल कैसे हो गया? अभी मास भी तो पुट कर ले। बताइए मास कहां से लेके आए? भाई ऐसे केस में आप लीनियर मास डेंसिटी माना करो लेमडा, लेट लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द होल फ्रेम बी लेमडा। ये लेंथ है h, ये लेंथ है b, ये अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b, अंडर रूट b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो आप बताएंगे m1 कितना होगा? हाँ भाई m1 कितना होगा अब तो बोलो। M1 होगा लैम्डा इंटू बी, M2 होगा लैम्डा इंटू एच, एंड M3 होगा लैम्डा इंटू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब आप इन तीनों का सम करेंगे नीचे पुट करने के लिए तो लैम्डा कॉमन आएगा और अंदर बचेगा b प्लस एच प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और जब ऊपर पुट करेंगे तो लैम्डा से लैम्डा कट लेगा। तो पहला आंसर देखो M1 में आएगा लैम्डा इंटू बी और इंटू बी बाई टू, लैम्डा तो बाहर आके कट जाने, तो बी स्क्वायर बाई टू, ये जीरो ये जीरो, और M3 में आएगा ये, तो ये बचा बी स्क्वायर बाई टू प्लस M3 में आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू बी बाई टू डिवाइडेड बाई लैम्डा कटने के बाद बी प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसा नहीं था कि ऊपर ही मान लेते खत्म हो गया, अभी मास वाला काम भी तो करना था। बताओ क्या ये स्टेप, क्या ये स्टेप आपको समझ में आ गया? हाँ भी बोलो भाई। यस सर। ठीक है, ऐसे उसमें देखो एम वन जीरो तो खत्म, इन दोनों में जब लैम्डा कॉमन आएगा तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा YCM बराबर, YCM बराबर एम टू में है इंटू एच एच स्क्वायर बाई टू प्लस एम थ्री में है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू एच बाई टू, हाँ अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू एच बाई टू डिवाइडेड बाई नीचे यही आना है बी प्लस एच प्लस अंडर रूट। अब ये सवाल अगर आएगा तो बी और एच की वैल्यूज के साथ आ जाएगा, जैसे बी तीन दे रखा है, चार दे रखा है, मतलब इस तरह से। लेकिन देखो थोड़ी थोड़ी चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है। हमने सेंट्रोइड वाला रिजल्ट पढ़ा, लेकिन सेंट्रोइड वाला रिजल्ट तो किसी और के लिए था, वो ट्रायंगुलर लेमिना के लिए है ना कि इसके लिए। ठीक है, एक और बात का ध्यान रखो, पेपूज थ्योरम जब लगाते हैं, जैसे कल रिंग पे लगाई, कल रिंग पे लगाई, देखो जब लीनियर मास पे लगाए तो एक बात का ध्यान रखना, जब लीनियर मास पे लगाई तो आपने जिस एक्सिस के अबाउट घुमाया उस पर मास नहीं था। मैंने रिंग से बना के दिखाया था आपको, रिंग से पूरी घुमाने पे डिस्क बनी वो सब,
बताओ, तो रिंग को जिस एक्सिस के अबाउट घुमाया, क्या उस लाइन पे मास था? रिंग केवल यू थी, ऊपर ऊपर थी, रिंग केवल यू थी, उसको जिस एक्सिस के अबाउट घुमाया, क्या उस लाइन पे मास था कि नहीं था? नहीं था, नहीं था। तो जब लीनियर टर्म में आप लगाए ना, इस बात का ध्यान रखना पेपूस थ्योरम में। वैसे तो चलो ठीक है, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कुछ और ना हो रहा तो उससे कर लिया करो, लेकिन अगर लीनियर मास में वो लगाएं, तो लीनियर ऑब्जेक्ट को घुमाएं, तो एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि लीनियर में इतना ही मास होता है, और आपने एक मास उस पार्ट पे ले लिया जहां एक्सिस है, तो फिर वहां पे वो थ्योरम गलत रिजल्ट दे देगी, याद रखना ये चीज। ठीक है, तो लोकेशन लोकेशन में ही हम काफी काम कर चुके हैं। अब एक बार ये सुनो, एचसी वर्मा से आप क्या कर लेंगे, यहां तक जो काम है, सेंट्रोमास लोकेट करने वाला जो काम है, सबसे पहले मैं आता हूं वर्कड आउट एग्जांपल्स, चैप्टर 9 के वर्कड आउट एग्जांपल्स, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रायंगल टाइप। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, 3 बस, उसके बाद मोशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद मोशन स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको पहले यहां तक लोकेशन तक का काम बता दूं, एचसीवी चैप्टर 9 पहली चीज है वर्कड आउट एग्जांपल 1-3, जो आज की क्लास के बाद आप ट्राई करेंगे 1-3। यार पेज नंबर वो खोल रहे हो अभी, पेज नंबर 149, पेज नंबर 149 पे है ये। कोई नई बुक में कोई एक आध पेज नंबर का फर्क आ गया हो तो हमें नहीं पता, ये पुरानी किताब है मेरे पास। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फर्स्ट अभी रहने दो, अभी रहने दो, हम थोड़ा मोशन पढ़ने के बाद इकट्ठे ट्राई करेंगे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट और सेकंड को। हाँ मैं अब आता हूं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1-6, एक से लेकर 6। अगर आप एक्सरसाइजेस की बात करें, तो उसमें आपके हैं क्वेश्चन नंबर 1-6। क्या अभी बुक खोली है क्या आपने? Yes, अगर आपने बुक अभी खोल रखी है तो आप एक बार ना क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, पेज नंबर 159 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आप आइए। एचसीवी पेज नंबर 159 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइजेस में क्या दिया हुआ है देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द फिगर, H2O और उनके बीच का एंगल 104 डिग्री। इस तरह का भी कोई डायग्राम दिया है, एक H, एक H, एक O, ये बना रखा है इन्होंने, ये पॉइंट मासेज ही दिखा रखे हैं बस, और इनके बीच का एंगल है दिस इज 104 डिग्री, ये दिया गया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम से कितनी दूर। अच्छा ये जो दूरी है ये आपको दी है 0.96 × 10⁻¹⁰ मीटर, ऐसे ये वाली डिस्टेंस भी दी है 0.96 × 10⁻¹⁰ मीटर। तो आपको ये बताना है कि भाई इसका सेंटर मास कहां होगा। H2O का मास तो आपको पता होगा अलग अलग, X का मास कितना AMU में बोल दो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता यार, एक यूनिट में चलने दो। H का ये H है, ये H है, ये O है, H का मास कितना 1, इसका 1, O का 16। तो ये तो मेरे पास M1, M2, M3 आ गए, क्योंकि मास तो कट लेना है, यूनिट सी कुछ भी हो उसकी, ऊपर नीचे दोनों में आता है। अब देखो तीन पार्टिकल हैं, तो हम एक चीज जानते हैं कि अगर दो एक जैसे मासेज हैं तो सेंटर मास कहां होगा, बिल्कुल बीच में। तो
तब क्या करो, इन दोनों को पहले रिप्लेस कर दो, पूरा मास उठा के कहां रख दो, इसके बिल्कुल सेंटर पे। तो पूरा मास कितना हो जाएगा ये, टू। तो देखिए हमारा इक्विलेंट डायग्राम ये बनेगा कि जैसे ऊपर तो एक मास रखा है 16, बिल्कुल यहां पे एक मास रखा है 2। अच्छा ये दूरी दी है, लेकिन हमें ये जो डिस्टेंस है दिस इज 0.96 एंगस्ट्रॉम, लिख दूं मैं इसे, पता है ना ये तो आपको, 10^-10 मीटर। और ये एंगल, ये एंगल कितना बचा, फिफ्टी टू डिग्री। ठीक है, अब यूं बताओ मैं सेंटर ऑफ मास कहां से डिस्टेंस पूछी है सवाल में, कौन से एटम से, ऑक्सीजन एटम से पूछिए, तो उसको आप ओरिजिन मान लो, लेट दिस बी द ओरिजिन, लेट दिस बी द एक्स एक्सिस एंड लेट दिस बी द वाई एक्सिस। तो अब जहां भी वाई सी एम आएगा वही दूरी हो जाएगी, जहां भी वाई सी एम आएगा वही डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की फ्रॉम द ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका तो आपने काम ही खत्म कर दिया, तो 0 0 पे है, ये कहां है, ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कोस 52 की साइन 52, कोस, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट होगा 0.96 इंटू कोस 52 डिग्री एंगस्ट्रोम, ये बनेगा इसका वाई कोऑर्डिनेट इस तरह से। अब मैंने लगाया अपना फॉर्मूला, मान लिया कि सेंटर ऑफ मास यहां है और ये है वाई सी एम, यही दूरी होगी ऑक्सीजन एटम से, आपने फॉर्मूला लगाया तो वाई सी एम इज इक्वल टू M1 16 इंटू Y1 0 प्लस M2। भाई मैं तो वैसे ही करवा रहा हूं एक सवाल उन छह में से, क्योंकि अक्सर इस सवाल को बच्चे सोचते हैं, अरे यार ये तो अजीब एंगल है, कोई वैल्यू देगा तब सोल्व होंगे, तो इसलिए मैं करवा रहा हूं, प्लस M2 है 2 इंटू Y2 0.96 इंटू कोस 52 डिग्री डिवाइडेड बाई M1 + M2 18, और ये एंगस्ट्रोम में आएगा, ये तो हो गया 0, 2 पे गया 9, 9 पे वो भी गया, 2 से गया ये 9 और 9 से जाएगा 0.1 फिर 0 60 9 6 54। ठीक है 106, तो ये आ रहा है 0.106 इंटू कोस 52 डिग्री एंगस्ट्रोम। लेकिन यार जब ऑप्शन आएंगे तो ऐसे तो ऑप्शन दिए नहीं होंगे ना, इन्होंने आंसर ऐसा दिया होगा। अब ये वैल्यू हम कैसे लिखें, कोस 52 डिग्री, क्या हमने कभी याद किया है, हाँ जी भाई बताओ कोस 52 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि इसमें तो जरूरत पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा अपना अप्रोक्सीमेशन यूज करना चाहिए, तो मैंने वर्ड यूज किया अप्रोक्सीमेशन, बताओ यहां पे क्या अप्रोक्सीमेशन यूज हो सकता है। हाँ आप ऐसे सवाल में कोस 52 डिग्री को नियरली कोस 53 मान लो, और कोस 53 कितना होता है, कोस 53 तीन चार पांच की ट्रायंगल से, बोलो यार 3/5। तो कोस 52 उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि एंगल छोटा होता है तो कोस की वैल्यू बड़ी होती है, लेकिन हम तो 3/5 रख लेंगे, तो 3/5 इंटू 0.106 एंगस्ट्रॉम ये आया 5, मैं एक और कर ही लेता हूं, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 18, 3 1 3 0.318 डिवाइड बाई 5 और एंगस्ट्रॉम, इसको और आगे बढ़ाया 5 6 30, पहले 0 फिर 6 एंड फिर 3, 0.063 एंगस्ट्रॉम। एक बार आंसर देखो ना इसका क्या दिया है बुक में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6.6 इंटू 10^-12। अच्छा देखो यहां ये आया 6.3 इंटू 10^-12, आपके बुक में क्या दिया आंसर, आंसर क्या दिया है बुक में, 6.6, तो वो थोड़ा सा ज्यादा क्यों है, क्योंकि cos 53 2 डिग्री इससे थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट आंसर देके आएंगे तो उससे काम चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो अगर ऑप्शन 6.6 भी है तो उसके नियरेस्ट बस यही मिलेगा,
तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाला सवाल मैंने इसीलिए दिया ताकि आपको ये वहम ना रहे कि भाई कई बार जैसे वैल्यू नहीं दी तो कैसे सोल्व करें। वैल्यू नहीं दी तो कोई बात नहीं, अगर वैल्यू नहीं दी तो उनके नियरेस्ट वैल्यू छाटिए, या फिर एक और भी चीज कई बार यूज होती है, अगर वैल्यू साइन कोस की नहीं दी तो फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा को आप नियरली थीटा लिख लेंगे रेडियन में, टेन थीटा को आप नियरली थीटा लिख लेंगे रेडियन में, एंड कोस थीटा को नियरली वन लिख लेंगे। करवाए हुए ना ये चीजें। जैसे क्या है, एक क्वेश्चन कर रहे थे हम ट्वेल्थ वालों के साथ, तो उसमें ये आया 10 7 डिग्री। अब वैल्यू तो है नहीं, तो 10 7 डिग्री की वैल्यू बताओ कैसे निकालें फिर, उसमें जरूरत पड़ रही थी तभी वो सवाल आगे बढ़ता। रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करते, तो दिस इज 10 ऑफ रेडियन में कैसे करते हैं कन्वर्ट, 7 डिग्री को पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लो, 180 ये डिग्री से डिग्री गया, पाई होता है 22/7 तो 7 से 7 भी गया, तो ये आपका आ गया टेंजेंट ऑफ 22/180 यानी कि 11/90, सो दिस इज नियरली इक्वल टू 11/90। ये तरीका होता है, ये तरीका होता है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना होता है। चलो अब ये बताओ, लोकेशन शायद क्लियर होगी, है ना, समझ में आ गया ढंग से। yes, अब जो मैंने आज क्वेश्चंस दिए हैं जरूर वो अपने ट्राई करके रखना, कट पोर्शन वाले और ये सब अपने ट्राई करते रहना भी, जिस भी तरह से ये काम पूछा गया है, ठीक है। एक सवाल मैं कल के लिए दे रहा हूं ताकि आप अपना ये ट्राई कर लें, फिर उसके बाद हम मोशन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट थी 2R/R की, एक रेक्टेंगुलर प्लेट थी, प्लेट मतलब मास एरिया में है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट, और इसमें से एक सेमी सर्कुलर पोर्शन कट कर दिया आर रेडियस का। तो अगर आर रेडियस बनाओगे यहां उसका सेंटर लिया तो बिल्कुल इसको टच करते हुए जाएगा, ये तो आर और वो उसका डायमीटर बन गया 2R। बस अब जो मास बचा है वो यहां यहां, ये इसका सेंटर है, जो कट पोर्शन है दिस इज सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये पोर्शन आपने उड़ा दिया यहां से, कट कर दिया। क्वेश्चन आ गया है क्या समझ, ठीक है। अगर ये ओरिजिन है, अगर मैं इस पॉइंट को ओ बोलूं, इस पॉइंट को अगर मैंने ओ बोल दिया तो आपको निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट, करोगे ना ये ट्राई कट पोर्शन वाले जैसे हम करते थे उसके अकॉर्डिंग। हाँ भी बोलो, कर लोगे ये सर्कल इसको 2R वाली साइड को टच कर रहा है आप, ये तो आप सोचोगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस कितना है, आर, तो आर ही तो ये दूरी है, समझ गए हो ना। यस सर। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़े क्योंकि आज काफी टाइम हमने डिस्कशन में लिया, कल भी जब क्लास स्टार्ट होगी तो पहले ये सवाल ही डिस्कस होगा, ये वाला सवाल। अब देखो, ये जो हमने सेंट्रल मास लोकेट किया इसका फायदा क्या है, अगर हम सेंट्रल मास लोकेशन को देखें आगे बढ़ाएं तो इसका फायदा क्या होगा। स्टार्टिंग क्लास पे अगर आप चलें, बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास तो सेंट्रल मास की थी जिसमें हमने फिजिकल मीनिंग ऑफ सेंट्रल मास बताया था, फिजिकल मीनिंग ऑफ सेंट्रल मास, तो वहां पे कुछ ऐसा आता है कि ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन इस तरह की होती है कि जैसे मैं सारे मास को समेट के वहां रख दूं और सारा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं वहां लगा दूं तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट की तरह आप मानते हुए और एफ बराबर एम इक्वेशन लगा सकते हैं, कुछ इस तरह का बना था उस दिन स्टार्टिंग इक्वेशन में। मैंने पहले बताया था फिजिकल मीनिंग कि आपने
हमने कोई गदा सी ली थी उसको फेंका था, मैंने कहा था पैराबोला में क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा पैराबोला में, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि पाथ पैराबोलिक है, तो जो पॉइंट पैराबोला में जाता है उसी पॉइंट को क्या बोल रहे थे हम, सेंटर ऑफ मास। फिर हम उसके मैथमेटिकल मीनिंग पे गए थे, जहां से फॉर्मूला निकला था, जहां से फॉर्मूला निकला था कौन सा फॉर्मूला, आरसीएम बराबर एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अप टू एम एन आर एन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू अप टू एम एन। जहां से ये फॉर्मूला निकल के आया था भाई, मैं एक मिनट एक बात आपको बताता हूं कि अगर किसी ने वो फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की है, क्योंकि आपके इस लिस्ट में सारी क्लासेस लिस्ट वाइज लगी हुई है, अगर किसी ने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की है सेंटर ऑफ मास की, तो वो प्लीज जरूर करें, बिकॉज जो मोशन है मोशन उसी पे आधारित है, मोशन उसी पे आधारित है सेंटर ऑफ मास का मोशन। मैं एक मिनट बढ़ता हूं, एक और पार्टिसिपेंट्स देख रहा हूं। चलो कोई नहीं, देखिए सबसे पहली बात, आज इतना टाइम बचा नहीं है तो मैं जस्ट एक थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं। जिस तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, शायद हम उसको स्मॉल आर से लिखते थे, तो उसका फॉर्मूला आता था फर्स्ट पार्टिकल इंटू पहले पार्टिकल की पोजीशन प्लस सेकेंड पार्टिकल इंटू इसकी पोजीशन प्लस कंटिन्यूड अप टू एम एन इंटू आर एन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू अप टू एम एन। अब मैं थोड़ा चल रहा हूं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की तरफ, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मान लो सेंटर ऑफ मास मूव करे, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी बाय डेफिनेशन डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन वेक्टर। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, आप यही देख लो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, क्या ये चीज तो कॉमन आ जाएगी कॉन्स्टेंट वन के बाहर, ये तो वेरी करेगी नहीं एम वन एम टू अप टू एम एन, ठीक है। फर्स्ट टर्म बचेगी, पहले का डिफरेंशिएशन में एम वन बाहर आएगा और केवल बचेगा डी आर वन बाई डी टी। डी आर वन बाई डी टी का क्या मतलब होगा, डी आर वन बाई डी टी का क्या मतलब होगा, वी वन, हाँ जी डी आर वन बाई डी टी का क्या मतलब होगा, वी वन होगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड टर्म में एम टू बाहर आएगा और डी आर टू बाई डी टी का क्या मतलब होगा, वी टू। तो अगर मैं सीधा फॉर्मूला लिखूं उसी तरह से, तो जैसा पोजीशन का फॉर्मूला है वैसा ही आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ जाएगा, कि अगर कई चीजें चल रही हैं तो सेंटर ऑफ मास के मोशन की वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होगा डिवाइडेड बाई टोटल मास। एक बार बताओ क्या ये समझ आ गया आपको, कैसे आया है? सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करूं, जब मोशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन भी आएगी वेलोसिटी भी आएगी, तो दैट विल बी डी बाई डी टी ऑफ वी सी एम। बताओ क्या बनेगा, उसी तरह सोचें अगर हम तो, एम वन ए वन प्लस, हाँ बिल्कुल सही। देखो एम वन बाहर आएगा डी वी वन बाई डी टी बनेगा ए वन, तो एम वन ए वन वैक्टर प्लस एम टू ए टू वैक्टर कंटिन्यूड अप टू एम एन ए एन वैक्टर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू अप टू एम एन। यानी मतलब अगर सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर लिया, वो तो इससे काम चल गया, तो उसके बाद ऐसी ही सेम इक्वेशन बनेगी। अब एक और चीज ध्यान रखें, ये सब वेक्टर इक्वेशंस हैं, ये सब वेक्टर इक्वेशंस का क्या मतलब, ये अलोंग द एक्सिस लगेंगी। जैसे यहां हमने तीन इक्वेशन बनाई थी, एक्सीएम पहली इक्वेशन, एक्सीएम एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम एन एक्स एन, है ना। इसी तरह से यहां पे भी तीन इक्वेशन बनेंगे, मैं उनमें से एक लिखता हूं, वीसीएम का एक्स कंपोनेंट एम वन इंटू वी वन का एक्स कंपोनेंट विद साइन होगा, कोई अपोजिट एक्स में होगा तो नेगेटिव के साथ पुट होगा, एम टू इंटू वी टू का एक्स कंपोनेंट कंटिन्यूड अप टू एम एन इंटू वी एन का एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू अप टू एम एन। सिमिलरली आपका वीसीएम वाई बनेगा, सिमिलरली वीसीएम जेड। और ऐसे ही अगर मैं एसीएम का एक्स कंपोनेंट लिखूं, एसीएम एक्स क्या बनेगा, एम वन इंटू ए वन एक्स प्लस एम टू इंटू ए टू एक्स प्लस कंटिन्यूड अप टू एम एन इंटू ए एन एक्स
एंड डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू अप टू एम एन। भाई बोलो, अभी आज मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं जस्ट आपको फॉर्मूले फॉर्मूले बता रहा हूं कि कैसे ये फॉर्मूले आगे बढ़ रहे हैं। क्या यहां तक ये बातें समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहता हूं, एक बार कल के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अपना ना जो फर्स्ट लेक्चर है सेंटर ऑफ मास का मीनिंग जिसमें बताया गया है, जस्ट एक बार वो रिवाइज करके रखना कि सेंटर ऑफ मास का आरसीएम का फॉर्मूला आया कैसे था, कैसे वो निकल के आया था सेंटर ऑफ मास का आरसीएम, बिकॉज वहां फोर्स से रिलेशन होगा जहां तक मुझे थोड़ा ध्यान आता है। तो हम मोशन की बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें उस लेक्चर के उस इक्वेशन से रिलेटेड होंगी, तो वहां से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और अगले दो तीन दिन अब इसके मोशन वाला काम चल रहा है, और एचसीवी का जो काम आपको बोला है कल जरूर करके रखें, कोई डाउट हो तो कल ही अपना पूछें, जो भी 6 और 3 सवाल दिए हैं कल ही पूछें, ताकि फिर कल आगे काम दिया जा सके।